नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। 22 जुलाई द्रयान 2 चांद पर जाने के लिए रवाना हुआ। ये इसरो का दूसरा मिशन है। जब सब कुशल मंगल हो गया तो कई लोगों ने राहत की सांस ली। इनमें से एक थी मुथैया विनीता, चंद्रयान 2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर। अपना काम उन्होंने ऋतु करेधाल को सौंपा। ऋतु मिशन डायरेक्टर हैं। उनका काम यह है ये बात सुनिश्चित करना कि चंद्रयान 2 सही सलामत चांद तक पहुंच जाए। टेंशन वाला काम तो है, पर इस मिशन के कामयाब होने के पीछे कई महिला वैज्ञानिकों का हाथ है। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही टीम में 30% औरतें हैं। ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है क्या कि किसी स्पेस मिशन को औरतें हेड कर रही हैं, जिसमें से दो नाम ऋतु और मुथैया खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो कौन है मुथैया विनीता? मुथैया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियर हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने के नाते मिशन का काफी भार उनके कंधों पर था। वो पिछले 32 सालों से इसरो के लिए काम कर रही हैं। पर बात जब चंद्रयान 2 पर काम करने की आई तो मुथैया ने शुरुआती दौर में मना कर दिया। वो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थी, हिचक रही थी। उन्हें मनाया एम अन्ना दुरई ने। वो चंद्रयान 1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। उनका मानना था कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुथैया का कोई जवाब नहीं है। कुछ समय प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद मुथैया ने हाँ बोल दी। मुथैया खुद चेन्नई से हैं और उनके पिता भी सिविल इंजीनियर थे। NDTV को दिए एक इंटरव्यू में मुथैया ने कहा था कि जब मैंने इसरो ज्वाइन किया तब मैं एक जूनियर इंजीनियर थी, काफी जूनियर। मैंने लैब में काम किया, गाड़ियां टेस्ट की। धीरे धीरे मैं मैनेजर वाली पोजिशन पर पहुंची। मैं आसानी से दूसरे इंसान का दिमाग समझ सकती हूँ। हम सब आराम से साथ मिलकर काम करते हैं, इतने सालों से करते भी आए हैं। मैं हर इंसान का रोल और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकती हूँ। मुझे तो उनसे फीडबैक मिलता है, उसकी मैं कद्र करती हूँ। इसलिए एम अन्ना दुरई मुथैया को टीम मैनेजमेंट में उस्ताद मानते हैं। न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में एम अन्ना दुरई बताते हैं कि मुथैया डेटा संभालने में एक्सपर्ट हैं। उनको डिजिटल और हार्डवेयर का काम बहुत सही लगता है और उसमें वो कंफर्टेबल भी हैं। पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनने से वो हिचक रही थी। इसमें दिन में कम से कम 18 घंटे तो काम करना ही पड़ता है। साथ ही ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। ऊपर से पूरे देश की निगाह आप पर होती है। अभी तक कई देशों ने अपने रॉकेट चांद पर भेजे हैं, इसलिए मुथैया के सामने एक चुनौती थी। वो थी कि इस प्रोजेक्ट को कम से कम पैसों में निपटाना। जितना खर्चा नासा और बाकी एजेंसीज ने किया है उसकी आधी कीमत में वो ये काम करें, और इसमें वो कामयाब भी हुई। मुथैया को 2006 में बेस्ट वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड मिल चुका है। 2013 में वो मंगलयान प्रोजेक्ट में भी काफी अहम रोल निभा चुकी है। तो देखिए, ये तो हुई बात मुथैया की। अब आते हैं इस मिशन के दूसरे बड़े नाम पर, ऋतु करेधाल। इनको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये चंद्रयान 2 की मिशन डायरेक्टर हैं। और क्योंकि चंद्रयान 2 अब उड़ चुका है, ऋतु को काफी समय तक चैन की सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। उनका काम ही कुछ ऐसा है। मिशन डायरेक्टर होना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और है भी, पर सिर झन्ना देने वाला काम है। मिशन डायरेक्टर यानी स्पेस क्राफ्ट पर हो रही सारी चीजें हैंडल करना, ये कुछ महीनों का नहीं सालों का काम है। एक बार ये स्पेस क्राफ्ट धरती से उड़ चुका तो समझो आपकी सारी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। ऋतु लखनऊ से हैं। मजेदार बात यह है कि ऋतु 4 साल की उम्र से चांद पर चलने के सपने देखती थी। उन्होंने बंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, यानी एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट जैसी चीजों की पढ़ाई। इसमें ऋतु ने मास्टर्स की डिग्री ली। इसरो में काम करते हुए उन्हें 22 साल हो गए हैं। 2013 से 2014 के दौरान ऋतु मंगलयान मिशन में डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर भी थी। फिलहाल ऋतु बेंगलुरु में रहती हैं। न्यूज 18 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ समय पहले मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ऋतु भी शामिल थी। उस दौरान ऋतु ने एक बात बोली जिसने सबका दिल छू लिया। उन्होंने कहा कि हमने मिशन पर दिन भर काम किया, रात भर भी किया। इसके बीच में समय निकालकर हमने अपने बच्चों और परिवार वालों का ध्यान रखा है। ऋतु के बच्चे भी बताते हैं कि वो कैसे शाम को उनको पढ़ाती थी, पढ़ाने के बाद फिर लैपटॉप पर अपना काम शुरू कर देती थी जो देर रात तक चलता था। फिर ऋतु सुबह उठकर 6:30 बजे अपने बच्चों को जगाती थी, उनको तैयार करती थी और उनको स्कूल भेजती थी। सुनने में थका देने वाला काम लगता है। एक तो चांद पर जाने वाला स्पेस क्राफ्ट बनाना, दिन रात उस पर काम करना, परिवार संभालना, साथ ही देश की नजर भी आप पर टिकी हो। टू मच वर्क। ऋतु की कामयाबी को लेकर उनका परिवार बहुत खुश है।
पूरे मिशन के दौरान ऋतु के पति अविनाश और उनके दोनों बच्चे आदित्य और अनीशा ने उनको खूब सपोर्ट किया। नतीजा ये हुआ कि ऋतु का काम जीते जी इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जा चुका है। जाते जाते आपको एक फैक्ट और बताते हैं, वो ये कि इसरो में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त होने वाली ऋतु करिधाल पहली महिला है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारी फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी लल्लन टॉप को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।